आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी बात है। देखिए, हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाते हैं। हिंदुस्तान सरकार का कोई भी निर्णय हो, छोटे से छोटा निर्णय बड़े से बड़ा निर्णय, मनरेगा कैसे बनेगा, आदिवासी बिल कैसे बनेगा, डिफेंस का पैसा कैसे खर्च किया जाएगा, ये सारे के सारे निर्णय अंत में ये 90 अफसर साइन करके निर्णय लेते हैं। भाई और बहनों, बीजेपी के एमएलए और एमपी नहीं लेते हैं। बजट का कैसे प्रयोग किया जाएगा, हिंदुस्तान में जो जीएसटी का पैसा लिया जा रहा है, गरीबों से छीना जा रहा है, वो पैसा कैसे इस्तेमाल होगा, ये 90 अफसर निर्णय लेते हैं। अब मैंने पार्लियामेंट में भाषण में कहा कि 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं, और मैंने कहा भैया ये जो पूरा बजट है इसमें से सिर्फ 5% बजट ओबीसी अफसर डिसाइड करते हैं। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मजेदार सवाल, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है और ओबीसी के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं तो आदिवासी अफसर आज कितने रुपए का निर्णय लेते हैं ये बता दो। भाई और बहनों, ये हिंदुस्तान हमारे देश को चलाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? जब मैं आपको बताऊंगा, जवाब दूंगा, आप हिल जाओगे। शर्म की बात है भाई और बहनों, 100 रुपए में से आदिवासी अफसर 5 रुपए का निर्णय नहीं लेते। भाई और बहनों, नहीं, 1 रुपए का भी निर्णय नहीं लेते, 50 पैसे का भी निर्णय नहीं लेते, 25 पैसे का निर्णय नहीं लेते। भाई और बहनों, हिंदुस्तान अगर 100 रुपए खर्च करता है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। इससे बड़ा आदिवासी वर्ग का अपमान किया जा सकता है क्या? नहीं। इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं, आदिवासियों को इस देश में आज क्या हक मिलना चाहिए, कितना हक मिलना चाहिए, ओबीसी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, एससी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये सवाल है देश के सामने। इसीलिए हमने कास्ट सेंसस की बात की है, इसीलिए हम कास्ट सेंसस चाहते हैं।